और ये है गेटवे ऑफ इंडिया। सब सो रहे। अरे हाय करो पापा, हाय हाय करो। सब सो रहे। हाँ वही तो। चलो हेलो गाइस, नमस्ते। फैमिली रडार की फैमिली में आपका स्वागत है। तो आज हम सुबह सुबह निकले हैं मुंबई की सैर पर। जी हाँ, क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया और मरीन ड्राइव के पास रहती है काफ़ी भीड़। हैप्पी बर्थडे कुलदीप मोचा, मिस यू आई सो मच। तो बर्थडे विश करने के बाद आर्या चौधरी सो चुकी है। इत्तेफाक से आज उसके मौसा जी का हैप्पी बर्थडे है, जिन्हें वो काफ़ी पसंद करती है। सफ़र करते करते हो चुका है सूर्योदय और देखिए कितना खूबसूरत है। नवी मुंबई से यहाँ तक आने का समय आप नोट कर सकते हैं और फाइनली पहुँच गए हैं मरीन ड्राइव पे। और मरीन ड्राइव के ये जो तिकोने पत्थर है ना, इनका बहुत गहरा राज है। पानी का स्तर जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये पत्थर बाढ़ की स्थिति से रोकते हैं। हे गाइस, तो पेश है हमारी लिटिल व्लॉगर बेबी आर्या। आर्या कैसा लग रहा है आपको मुंबई में? वो अपना व्लॉग खुद बना रही है। हाँ मुझे पता है वो बना रही है, लेकिन मेरे व्लॉग में भी थोड़ा सा गेस्ट अपीयरेंस दे दो आर्या। अच्छा लग रहा है। कहाँ पे हो आप अभी? मरीन ड्राइव। बोलो। मरीन ड्राइव। कैसा सुबह सुबह आ गए आप? और कौन कौन आया आपके साथ? ये आर्या के दादाजी और आप। ये आर्या के पापा जी ये कैमरे से दूर रहते हैं। मोबाइल मेरे हाथ में नहीं दे सकते क्योंकि मोबाइल गिरने का रिस्क है। हेलो गाइस, आज मेरा है फैमिली रडार। तो ये स्टेडियम और ये पत्थर है। हेलो गाइस, आज मैं फैमिली रडार। तो ये है समुंदर, ये पत्थर और ये स्टेडियम। मैं आपको दिख रहा होगा वो सारी लाइट है और वो दोनों एक है। और ये है मेरी मम्मी और ये है मेरे पापा और बाबा वहाँ पे हैं। ये है मेरे बाबा। हाय कर सबको, हाय कर सबको, सबको हाय करो, करो आप सबको हाय करो। हाय। देखो मम्मी उसको हाय कर दिए। और ये है डबल स्टोरी वाली बस, मुंबई की स्पेशलिटी। हालांकि मैंने इसमें अभी तक सफ़र नहीं किया है, पता नहीं कर भी पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ मुंबई में रेयर ही कर रहे हैं हम लोग। तो भूख लग गई है। और ये पिज्ज़ा बाय द बे, बिल्कुल मरीन ड्राइव के सामने एक रेस्टोरेंट था तो हम इसमें चले गए। और ये कंप्लीट सी फूड रेस्टोरेंट था, वेज तो भूल ही जाइए। तो फिर वापस आ गए और पहुँच चुके हैं ताज। फोटो वाले भाई साहब हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। ताज का ये जो एरिया है जो आप अभी देख रहे हैं, ये गेटवे ऑफ इंडिया से पीछे से रास्ता जाता है और एलिफेंटा
जाने के लिए भी एलिफेंटा की गुफाएं यहाँ पे काफ़ी फेमस है, जो कि एलिफेंटा आइसलैंड पर ही है। यहाँ से करीब 40 मिनट की दूरी पर है। और ये जो नाव आप देख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं फेरी, और इन पर सफ़र, इन पर बैठकर ये हमें ले जाती हैं एलिफेंटा। तो ये जो खुलता है, ये मानसून में पूरी तरीके से बंद रहता है ये वाला हिस्सा गेटवे ऑफ इंडिया का, और जब मानसून चला जाता है तभी ये होता है। तो अगर आपको एलिफेंटा केव्स के लिए आना है, विजिट करना है, तो यहाँ से फेरी आप ले सकते हैं। और याद रखिएगा कि मानसून के समय में भी नहीं आना है। हमारे भगवान आ रही है। सब ताज, मुंबई का ताज एक तरफ और बाकी दुनिया के सारे ताज एक तरफ, कितना सुंदर लगता है। एलिफेंटा केव्स जो बनाई गई थी, वो इतिहास की सबसे पुरानी कृति है, जो ये सिद्ध करती है कि महादेव त्रिदेव हैं। यहाँ पे जो महादेव की प्रतिमा है वो तीन मुख वाली है, और एलिफेंटा सबसे प्राचीन साक्ष्य है जिन्होंने महादेव को तीन मुख के साथ दिखाया है। इसीलिए एलिफेंटा की इतिहास में काफ़ी महत्ता है। तो ये फेरी तैयार हो चुकी है वहाँ तक जाने के लिए, और यकीन मानिए इस फेरी के ऊपर जो 20-30-40 मिनट का जो सफ़र है ना, वो इतना सुंदर है कि मैं क्या बताऊँ। बड़ा पाव मिलेगा, इडली मिलेगी। यहाँ की एक बहुत फेमस बात है, एक बड़ा पाव वाला है यहाँ पे, वो आता है 7 बजे और 9 बजे तक फिनिश करके चला जाता है, उसके बाद जाता है ड्यूटी। बड़ा पाव खाने के बाद अब पियेंगे चाय, और ये भैया जिस तरीके से चाय बना रहे थे, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो काफ़ी घूम लिया, अब करेंगे पेट पूजा, और आ गए हैं नवी मुंबई फूड पनवेल। यहाँ के छोले भटूरे मुझे बहुत पसंद है, और बिल्कुल मुंबई में दिल्ली वाला स्वाद मिलता है छोले भटूरों में। और हम नॉर्थ इंडियंस की ये बड़ी ख़राब आदत है कि हम जहाँ भी जाते हैं अपना ही खाना ढूंढते हैं, जबकि मुझे लगता है कि अगर आप कहीं बाहर रह रहे हो तो आपको वहाँ का लोकल खाना टेस्ट करना चाहिए। बट क्या करें, जीभ के आगे किसकी चली है। ओके, बाय, अगले व्लॉग तक के लिए रखिए अपना बेहतर ख्याल।